आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं क्रिप्टो राइजिंग स्टार। क्रिप्टो राइजिंग स्टार आपके लिए NFT क्रिप्टो करेंसी और गेमिंग प्रोजेक्ट के मुतालिक आपको अपडेट करता है। फ्रेंड, आपके सामने शानदार अमेजिंग एंड कूल NFT प्रोजेक्ट लाए हूँ जिसका नाम है मेटा गैलेक्सी ऑफ आर्ट। इसका मुकम्मल रिव्यू आज आपको इस वीडियो में दूंगा कि फ्रेंड आप इसके प्लेटफॉर्म को किस तरह ज्वाइन कर सकें, इसकी कम्युनिटी पार्ट के हिस्से कैसे बन सकते हैं। तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जिसमें यानी कि फ़नी अर्थ यानी दिए जाएंगे, तो आप इसकी मिंट वगैरह जो की जाएगी तो वो भी फ्रेंड आप दे सकेंगे। आर्टिरिया तौर पर यानी उसने बताया कि इसमें आर्टिरिया के तौर पर है कि जिसमें यूनिक मेटा प्लैनेट्स वेयर द मैनी डिफरेंट जो होंगे नेशन हो डिफर फ्रॉम द ईच अदर होंगे बट यूनाइटेड बाय द यानी कि इसमें होंगे जिसमें सेम फेथ होगी, फेथ इन आर्ट है, इन अ ह्यूमन टैलेंट्स ब्रिंग्स ब्रिलियंट वर्क टू देयर द ऑडियंस के लिए होगा। तो फ्रेंड अगर हम बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि जिसमें टैलेंट्स की जाएगी यूनिवर्सल एंड डू डू गुड टू द एवरी वन हु नीड्स इट। उसके बाद आर्टिकल तौर पर इंक्लूड होंगे जिसमें कल्चर ट्रांजिशन, उसमें मुख्तर किस्म के गिव्स दिए जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आप इनोवेटिव तौर पर अपने अपने ड्रीम्स को क्या कर सकते हैं, कम ट्रू कर सकते हैं। इनका अगर मिशन क्या है इस प्रोजेक्ट का, स्कीम के ऊपर जो मेटा गैलेक्सी कर रही है आर्ट एनथुसियास्ट तौर पर यानी कर रही है, जिसमें यानी कि आप इसमें स्ट्राइव तौर पर करेंगे जिसमें डेवलपमेंट की जा रही है आर्ट NFT इन द यूनिक मेटा यूनिवर्स, जिसमें आप मुख्तर किस्म होज अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाएंगी अमाउंट की, जिसमें आप एवरी आर्ट को आपने इसमें कंजर्व तौर पर वर्ल्ड के तौर पर NFT को आप यूज़ कर सकते हैं। इनका और मिशन के तौर पर यहाँ देखा गया है। तो नेक्स्ट आप फ्रेंड आप देख सकते हैं कि NFT इसमें यानी कि आपको क्या दिया जाएगा, जिसमें NFT यानी वो तौर पर बता रहा है जिसमें ऑनर्स ऑफ द कलेक्शन NFT यानी कि सर्टिफिकेट्स बिकम द होल्डर्स ऑफ अ प्लाट्स ऑफ लैंड एंड आर्टिरिया तौर पर बताए गए हैं। ऑनर्स ऑफ द कलेक्शन NFT टिकट एक्वायर कर रहा है जिसमें राइट टू विजिट आर्टिरिया तौर पर करेंगे, जिसमें आप दे आल्सो गेट करेंगे अपॉर्चुनिटी टू परचेज अ प्लॉट ऑफ द लैंड ऑन द ट्रीरिया जो पर मार्केट को होंगी, तो उसी के मुताबिक आपको मेटा यूनिवर्स के तौर पर दी जाएंगी। तो आप इसमें यानी कंस्ट्रक्शन को तौर पर करेंगे और उसमें मुख्तलिफ किस्म के टोटल यानी कि आप जैसे तौर पर इकोनॉमिक प्लान के तौर पर आप इसमें इंडिविजुअली क्रिएटिव आर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसमें यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इसमें दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं जो इसे आर्ट के तौर पर यानी लिया गया है बहुत ही अमेजिंग यानी कि यहाँ देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पर यहाँ दिखाया गया। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ऑल द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड फॉर द इनहेबिटेड्स तौर पर यानी किए जाएंगे प्लांट ऑफ द सो ईच पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन परचेज एनी प्रोडक्ट फॉर हिमसेल्फ इट इज़ यानी कि इट्स नेसेसरी होगा फॉर के लिए हर किसी के लिए। वन ऑफ द इंस्टेंसेस इज द क्रिएशन ऑफ द गैलेक्सी फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक एग्जीबिशन के लिए होंगी, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के बाई करेंगे लॉट ऑफ द लाइक पुट देयर द आर्ट फॉर सेल के लिए होंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी डोमेस्टिक यानी कि करेंसी की जो बताई गई है, तो फ्रेंड आप इसमें डोमेस्टिक करेंसी भी देख सकते हैं जो गैलेक्सी ऑफ द मेटा यानी कार्ड के तौर पर है। तो फ्रेंड आप इसमें बाई करेंगे तो कमिंग सून है, तो फ्रेंड आप इसे बहुत जल्द यानी कि इसे आप इसे बाई कर लेंगे, तो इसमें यहाँ बताया हुआ है जिसमें आर्टिरिया विल बी प्रोवाइड करेगा विद द ऑन करेंसी जिसमें होगी, जिसमें आप कैन हेल्प द पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट्स डेवलप देयर द ट्रेजरी बाय टू बाई एंड सेल हाउस होल्ड द एंड कम्फर्ट आइटम्स एंड रिप्लेनिश तौर पर होंगे देयर NFT कलेक्शन। तो फ्रेंड आप इसमें बहुत ही यानी जल्दी से बाई करेंगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड आप देख सकते हैं कि काइंडनेस एंड सेव्स एंड द वर्ल्ड, आप इसमें वर्ल्ड के तौर पर से करेंगे। एनी अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द प्रोजेक्ट विल क्रिएट द चैरिटी फंड है, जिसमें चैरिटी फंड के तौर पर आप इसमें यानी कि इंक्लूड होंगे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जिसमें NFT होल्डर गेट करेगा इन्वॉल्व इन गुड थिंग्स बिकॉज अवर प्रोजेक्ट विल डोनेट द 10% ऑफ द सेल वेरियस फंड एंड द थॉट आउट ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इन यानी कि इसमें यानी मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोजेक्ट डोनेशन की जाएंगे तो वो भी आप देखेंगे इनहेबिटेंट्स तौर पर यानी करेंगे, जिसमें प्लान के तौर पर डिसाइड किया है वोटिंग ऑफ द डिवीजन ऑफ द फंड्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी यानी कि जो प्रोजेक्ट की यानी कि इसमें वीडियो है, तो वो भी फ्रेंड आप इसे वॉच कर सकते हैं जो यूट्यूब पर भी मौजूद है, तो आप वहाँ से भी आप इसमें देख सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं रोड मैप में आप देख सकते हैं वो ब्रेक द बैरियर्स ऑफ द ओपन डोर्स। तो स्टेज वन में यह देख सकते हैं कि अट्रैक्शन ऑफ द इनिशियल यानी कि इन्वेस्टमेंट की गई थी, इसमें यानी कि क्रिएशन कलेक्शन NFT यानी कि सर्टिफिकेट सेटलमेंट ऑफ यानी कि होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कम्युनिटी एयर ड्रॉप था, मेंट कलेक्शन ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें वोटिंग वगैरह और इसके चैरिटी फंड वगैरह इसकी क्रिएशन की गई थी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेट टू में यानी कि स्टार्ट ऑफ द डी और तौर पर यानी को इसमें टोकन यानी कि लॉन्च किया जाएगा, ICO का लिस्टेड ऑफ द टोकन है, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द पार्टनर टीम के लिए होगा, क्रिएशन ऑफ द नेक्स्ट NFT यानी कि सर्टिफिकेशन सेटलमेंट को होगी जो थर्ड यानी कि ड्रेस तौर पर होगी, जो एयर ड्रॉप मिंट लॉन्च ऑफ द मार्केट
आईओटी तौर पर होगी। उसके बाद आते सीधे स्टेज थ्री में, जिसमें बिगनिंग ऑफ द डेवलपमेंट टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटावर्स, लॉन्च ऑफ द यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, टेस्टिंग ऑफ द बीटा वर्जन ऑफ द जिसमें यानी एमओ के तौर पर यानी किया जाएगा। उसके बाद यानी कि अब यूरल फोर इंजन है। स्टेज फोर में आप देख सकते हैं अल्फा वर्जन लॉन्च होगा, एक्सेस करेंगे यानी कि जियो एन टोकन एक्सचेंज। तो नेक्स्ट फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसमें वी आर द डेडिकेट था यानी कि यूनाइट तौर पर आप इसमें यानी करेंगे, इसमें ऑल यानी कि रोड कनेक्शन तौर पर है मेटावर्स की, तो आप उसकी को तौर पर आप इसमें यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड आप इसे डिटेल तौर पर यानी कि आप देख सकते हैं कि जो उसने बताया हुआ है। तो नेक्स्ट फ्रेंड आप इसके सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन होने के बाद फ्रेंड आप इसके मुख्तलिफ किस्म के फ्रेंड आप इसके यानी कि देख सकते हैं कि रेडियो तौर पर कमिंग सून है, मार्केट भी कमिंग सून है। तो फ्रेंड आप इसके मुख्तलिफ किस्म के यहाँ देख सकते हैं कि फैक्स वगैरह जो बताए गए हैं, तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि फैक्स इसमें बताए गए, तो फ्रेंड आप इसमें यानी वो भी रुक कर सकते हैं। तो इसमें यानी कि अबाउट द डेवलपमेंट यहाँ के तौर पर यहाँ बताए गए हैं, तो बेसिक यानी कि इसका मेन आइडिया यहाँ देख सकते हैं, कलेक्शन एंड प्रिविलेज तौर पर इसने यहाँ बताया हुआ है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसके कलेक्टिबल NFTs, इसके कॉमन, इसके रेयर, इसके एपिक लेजेंड, तो फ्रेंड वो भी आप इसमें कर सकते हैं। डोमेस्टिक करेंसी और उसे यहाँ दे सकते हैं, उसे यहाँ बताई हुई है। और इसके मुख्तलिफ किस्म की करेंसी के तौर पर यानी कि प्रोजेक्ट या मार्केटिंग टीम, चैरिटी, एयर ड्रॉप, उसे भी यानी किस तरह डिवेल्प किया गया, तो वो फ्रेंड आप दे सकते हैं। टोकन निमोनिक्स इसके फ्रेंड बताए गए हैं, तो टोकन निमोनिक्स में यानी कि किस तरह किया गया, एट द बिगिनिंग एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं, तो उसने यहाँ देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर फ्रेंड आप इसे रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड इसमें भी यानी कि आपको मुख्तलिफ किस्म की आर द बिगनिंग एक्सपेक्टेड है, जो इनका टोकन लॉन्च होगा तो उसमें भी आप यानी मुख्तलिफ किस्म के कलेक्शन को प्रिविलेज के तौर पर करेंगे, जो यानी कि इसकी यानी कि मेटा गैलेक्सी यानी कि अवतार तौर पर यानी कि इसके होने वाली है स्टार्ट, तो उसमें यानी कि आप कर सकते हैं। इसके सोशल प्लेटफॉर्म में जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, तो इंस्टाग्राम में फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मेटा गैलेक्सी ऑफ द आर्ट की यहाँ देख सकते हैं, जैसे जो इनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि इनकी मुख्तलिफ किस्म की यहाँ देख सकते हैं कि जो एनएफटी वगैरह तौर पर दी गई है। तो फ्रेंड अगर बात की जाए तो फ्रेंड आप इसमें वीडियो को ये भी वॉच कर सकते हैं, तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि जो उसने यहाँ बताई हुई है, तो वो भी फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग शानदार के साथ यानी कि यहाँ दी गई हैं, तो आप इसको भी यानी कि रिव्यू कर सकते हैं जो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड अगर बात की जाए तो आप इसके मुख्तलिफ किस्म के और भी हैं, जैसे कि आप फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं जिसमें यानी कि आप मुख्तलिफ किस्म का रिव्यू कर सकते हैं, जो इनके NFT के तौर पर यानी कि यहाँ देख सकते हैं, फनी अर्ज के तौर पर जो यानी कि फ्रेंड आप इसमें देखेंगे, तो वो भी आप अगर देखना चाहें तो आप इसके मुख्तलिफ किस्म की कलेक्शन यानी कि आप OpenSea के ऊपर भी आप जाकर यहाँ फ्रेंड आप इसमें रिव्यू कर सकते हैं, जो फ्रेंड आप देख सकते हैं जिनकी यानी कि थीम में प्राइस भी बताई हुई, यहाँ से आप फ्रेंड इसे बाई कर सकते हैं OpenSea के ऊपर। तो नेक्स्ट फ्रेंड अगर बात की जाए तो आप इसके यानी मुख्तलिफ किस्म के और भी हैं, जो यानी कि आप इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की टीम के बारे में बात की जाए, तो इसमें टीम देख सकते हैं कि 14 पीपल हैं, डिफरेंट द एजेस एंड द वर्ल्ड वाइव्स के हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क स्टडी करें, तो आप इसमें देख सकते हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो इसके यानी कि प्रोजेक्ट को यानी कि रनिंग पे चला रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग यानी कि टीम यानी कि इसकी है जो इसके ऊपर हार्ड वर्किंग काम कर रही है, तो वो भी फ्रेंड आप इसमें रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड मुख्तलिफ किस्म के फ्रेंड आप अगर आप देखना चाहें तो वो भी फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, जो यानी कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो नेक्स्ट फ्रेंड आप इसके मुख्तलिफ किस्म के यानी कि टेलीग्राम के ऊपर तो अगर देखा जाए तो आप इसके टेलीग्राम के ऑफिशियल यानी पेज के ऊपर भी फ्रेंड यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के यहाँ देख सकते हैं अमेजिंग है किस्म के NFT के तौर पर रिव्यू मिलेगा, तो यहाँ से भी फ्रेंड आप इसे रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आप इसके ट्विटर प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि अगर आपने जाना चाहें तो यहाँ से भी फ्रेंड आप इसमें रिव्यू कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसे यहाँ देख सकते हैं कि उसने यहाँ बताया हुआ है, तो फनी अर्ज यहाँ कैसे बनता है, तो इसमें यानी कि देख सकते हैं कि जो उसने यहाँ मुख्तलक यानी किसी यहाँ बताया गया है, तो इसकी यानी मुख्तलिफ किस्म के NFT के तौर पर यानी किस तरह बनाया गया, तो वो भी फ्रेंड आप इसमें रिव्यू कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेंड आप इसके सामने यानी कि मेटा गैलेक्सी ऑफ द आर्ट यानी कि इसकी यहाँ देख सकते हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म के ऑफिशियली हैं जो यानी कि फ्रेंड आप इसको ज्वाइन करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के अपडेट वगैरह भी हासिल करेंगे, तो फ्रेंड उसने यहाँ बताया हुआ है। तो नेक्स्ट फ्रेंड आप इसके मुख्तलिफ किस्म के डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर हम डिस्कॉर्ड सर्वर की बात करें तो फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं इसके मुख्तलिफ किस्म के ऑफिशियली यानी कि आप डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वेरीफाई सर्वर इसकी अनाउंसमेंट यानी कि दी जाती है, तो वो भी फ्रेंड आप इसमें रिव्यू कर सकते हैं। जो डेली बेसिस पे अनाउंसमेंट दी जाती है वो भी देख सकते हैं, ऑफिशियल लिंक्स भी हैं और उसके बाद जनरल चैट वगैरह भी है, तो फ्रेंड यहाँ से भी आप इसे रिव्यू कर सकते हैं। रोड मैप और इसके यानी दवेद और रेडियो तौर पर यहाँ बताया गया, तो वो भी फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं, जो यानी कि उसने यहाँ बताया कि हाउस ऑफ द लेजेंड यानी कि फाइनल यानी कि स्टेज तौर पर क्या बताया गया है, तो वो भी फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की यानी कि यहाँ एज दी गई हैं, तो फ्रेंड आप इसको रिव्यू करेंगे तो आपके लिए यानी कि बहुत सी हेल्पफुल यानी कि इसमें होगा, तो फ्रेंड आप इसके प्रोजेक्ट का रिव्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के पार्टनर्स वगैरह और इसके मुख्तलिफ किस्म के यहाँ दे सकते हैं, जो फ्रेंड आप करेंगे तो अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए तो आपने अपने
इन वाइट पीपल के ऊपर जाएंगे तो फ्रेंड यहाँ से अपना कॉपी करेंगे तो अपने फ्रेंड को यहाँ शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, जिसमें यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें यानी कि जाने के लिए फ्रेंड्स यानी कि आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसके ऑल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आपको ऑल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, गुड बाय।